चैनल पे आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम न्यू इमर्जिंग स्टार्टअप्स के हवाले से आपको बताते हैं ताकि आपको एक गाइडेंस मिले कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज इसी तरह की स्टोरी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भाई प्यारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको यहाँ पर शवारमे के बिज़नेस के हवाले से बताएंगे। लेकिन ये आम शवारमा नहीं है, इनकी स्पेशल रेसिपी क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ पूरा इंट्रोडक्शन देंगे और आपको बिज़नेस गाइड भी प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई के सबसे पहले तारुफ से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप अपना काइंडली नेम बताएंगे। मेरा नाम सर मोहम्मद खलील है। अच्छा मोहम्मद खलील साहब, आज हमें इस बिज़नेस के हवाले से कंप्लीट गाइड करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप अपने मॉडल बताएं कि आप क्या चीज़ यहाँ पर सेल कर रहे हैं। सर हम शवारमा सेल कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें टोटीला रैप भी हम सेल कर रहे हैं, चिकन बर्गर भी सेल कर रहे हैं। ठीक है जी सर। मेजर आपका आइटम कौन सा? शवारमा हमारा मेजर। और साथ साथ कौन से आइटम सेल कर रहे हैं आप? टोटीला रैप भी है। ठीक है। वो भी आइटम आपके साथ? वो भी शवारमा की एक आइटम है, वो जैसे रोटी होती है ना सर, इसी तरह वो ब्रांडेड रैप होता है। ठीक है। उसमें भी वो चिकन रैप तैयार करते हैं हम। अच्छा ये आप मुझे बता रहे थे कि ये जो शवारमा है ये नॉर्मल शवारमा नहीं है बल्कि एक बाहर से भाई की रेसिपी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। सर बिल्कुल, ये हम एक रूटीन का जो शवारमा बिक रहा है ना यहाँ पर, ये वो नहीं है। इसमें डिफरेंट ये है कि हम अरेबियन टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है। हम क्लेम करते हैं कि हमारा शवारमा जो है वो बिल्कुल जैसे अरेबियन होता है, सेम वही टेस्ट है, वही टेस्ट, क्योंकि हम इसमें जो रेसिपी यूज़ कर रहे हैं इसमें विद गार्लिक सॉस है जो अरेबियन शवारमा में यूज़ होता है। ठीक है। और पोटैटो भी यूज़ कर रहे हैं और फ्रेश वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये तकरीबन 10 साल इन्होंने बाहर जो है इसी जो है अपने अरेबिक कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने स्पेंड किया, वहाँ पर जॉब किया है और वहीं से इन्होंने इस आइडिया को ग्रैब किया। तो पाकिस्तान में आपको इसको स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हुआ है? इसमें सर एक्चुअली भाई तो पहले से कर रहे हैं तकरीबन 3 साल से। ठीक है। तो ये वाला सेटअप हमें 1 मंथ हुआ है। एक मंथ में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ की मार्केट के अंदर? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पे किस नाम से ये अपना आपका आउटलेट है और थोड़ा सा इसकी लोकेशन के हवाले से गाइड करें और नेम क्या है इसका? सर हमारा जो नेम है वो किंग शवारमा के नाम से है। ठीक है। द ब्रांड ऑफ शवारमा। ठीक है। तो ये लोकेशन जो है ये सर नियर मुबीन मार्केट है, अपोजिट इटालियन पिज़्ज़ा मुल्तान। अच्छा सर, इसमें कुछ क्वालिटी कंसर्न्स भी होते हैं कि लोग कुछ लो क्वालिटी में सेल कर रहे हैं, क्या कंसर्न होते हैं? थोड़ा सा इस हवाले से ऑडियंस को गाइड करें ताकि क्लैरिटी हो कि यार लोग अगर जो प्राइस डिफरेंस में लोग लड़ते हैं कि जी वो 80 का दे रहे हैं या 60 का दे रहे हैं छोटा, तो इसमें क्या मेजर फ़र्क होता है? इसमें देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम ये जो रवायती शवारमे यहाँ पे बिक रहे हैं ना 50-60, हम रेट पे नहीं, हालांकि हमने रेट भी बड़ा रीजनेबल रखा है। ठीक है। फिर भी आपका मिनिमम शवारमा कितने का है? सर मिनिमम हमारा 80 का है। ठीक है। रेट भी इनका मुनासिब है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है और मार्केट में आपको कम्पिटेटिव नज़र आएगा। लेकिन ये है कि लोग 60 का भी बेच रहे हैं, वो क्या रीज़न होती है? सर उसमें क्या है कि चिकन बहुत हल्का यूज़ करते हैं, हमारा बहुत हेल्दी और फ्रेश चिकन है और इसमें जो हम सॉस यूज़ कर रहे हैं वो तो उस वाली पैदा नहीं होता, वो दूसरे कर रहे हैं, वो तो पतली सी चटनी बना के रखी हुई है उन्होंने शवारमा रेडी करते ऊपर डाल देते हैं ऐसे। मतलब क्या आप हमारा चेक करें, आप देखें इधर अगर, तो गार्लिक सॉस और मायोनीज हमारा बहुत गाढ़ा है, अच्छे वाला यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है। वर्दा कंपनी का हम क्लासिक यूज़ कर रहे हैं मायोनीज, हमें वो ऑलमोस्ट 400 पर लीटर पड़ता है मगर क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जी ये क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते और वाकई मैं देख रहा था कि जो इनका प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटेबल भी है और देखने में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बहुत ज़बरदस्त चीज़। अच्छा अब इनसे थोड़ा जानते हैं कि कोई इस बिज़नेस में आना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है और क्या ये भी अपॉर्चुनिटी इसकी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये आपको गाइड कर रहे हैं या आप इनसे ये मशीन बनवाना चाहते हैं तो तब भी आपको ये कम्प्लीट इसमें गाइड प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि कितनी में कॉस्ट करती है ये पूरी मशीन या पूरा सेटअप? सर ये बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कोई इतनी ख़ास नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है तो इंशाल्लाह ताला आप कर पाएंगे। इसमें देखें ये जो सेटअप हमने तैयार किया है, ये कॉर्नर तैयार करने में हमें मैक्सिमम 1-1.25 लाख रुपये लगा हमारा इसके ऊपर विद हॉट प्लेट। अच्छा ये प्लीज़ असद यहाँ पर आ जाएँ, ज़रा क्लोज आएँ, ये थोड़ा सा सेटअप दिखा दें थोड़ा। सर ये किस प्रोसेस का काम करती है ये जो ये हॉट प्लेट है? ठीक है। इसके ऊपर हम चिकन तैयार करते हैं, ब्रेड जो क्योंकि वो हाफ डन होती है उसको फुल डन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है।
तो बेसिकली इसका काम ये सर 10,000 में ये तैयार हुई है हमारी, 10,000 में बिजली जी जी बिजली तैयार। और ये नीचे जो सेटअप पूरा आपने बनाया हुआ है, ये पूरा आउटलेट ये कितने में बन जाता है कंप्लीट? ये सर आपका मैंने पहले भी अर्ज किया कि 1,00,000 से 1.25 लाख रुपए मैक्सिमम लगेगा आपका, और ये बेहतरीन एसएस शीट में बना हुआ। अच्छा, कोई तैयार करवाना चाहता है तो आप उसको फैसिलिटी प्रोवाइड? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह क्यों नहीं, अगर कोई भाई हमारा तैयार करना चाहे वेलकम, हमें खुशी होगी। आप उसे कंप्लीट गाइड जी जी बिल्कुल कंप्लीट कैसे वो इस काम को शुरू कर सकता है और तैयार भी करवा कर। जी जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा असद यहाँ पे क्लोज आएंगे, जरा दिखाएंगे कितना ये साफ सुथरा एक अच्छा सा आउटलेट है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है, मतलब आप कुछ अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, जो भी जरूरी चीजें हैं यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। भी है नीचे देखिए स्टोरेज एरिया है, और ये सारा आपका लॉक सिस्टम है जहाँ पे आप अपने मतलब जो भी कैश वगैरह है उसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि एक अंदाजन पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाता होगा? सर प्रॉफिट मार्जिन मैंने पहले भी अर्ज की बहुत रीजनेबल रखा है हमने, ठीक है, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी रोजी मिल जाती है। अच्छी रोजी मिल जाती है, यानी कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अच्छा सर, लास्ट में अपनी लोकेशन वगैरह गाइड करें कि ये कहाँ पे आपका जो है ना पूरा आउटलेट लोकेट है, ताकि आपके पास लोग विजिट करना चाहें तो विजिट कर सकते हैं, और अपना नंबर भी गाइड कर दें। जी सर, ये गुलगस्त कॉलोनी मुल्तान है सर, नियर मुबीन मार्केट अपोजिट इटालियन पिज़्ज़ा, ये मुल्तान का बहुत फेमस इलाका है। के साथ ये बिल्कुल चटाई लैब भी इनके सामने जी साथ ही पड़ती है, और ये बिल्कुल ये स्टोर है, ये सर नेचर मार्ट है, नेचर मार्ट के बिल्कुल ये बाहर बैठे हैं, बिल्कुल बाहर। तो आपको बड़ी अच्छी लोकेशन है इनकी, आपको यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आप ज़रूर इनका शवारमा टेस्ट करें, आई गारंटीड के बहुत ज़बरदस्त है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, और जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी मेयारी मटेरियल है। लास्ट में आप लोगों को ये गाइड करना चाहूँगा, अगर कोई इस बिज़नेस में आना चाहता है तो ये कम्प्लीट आपको यहाँ पे मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आप इनके पास आएँ, विज़िट करें, ये आपको कंप्लीट बताएंगे ये प्रोसेस कैसे शुरू होता है, आपको मशीन बनवा देंगे और एंड आपको आउटलेट पूरा लगा कर देंगे, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सर लास्ट में अपना नंबर बता दें ताकि आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो उसको इजी। मेरा सेल नंबर है 0331710855। मैं इनका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप इजीली इनसे रब्ता कर सकें। तो ABC से अभी इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।